अब हम विजिट करेंगे पाताली छांगो डेविस फॉल। चलिए इसके अंदर, यहाँ पर एक झरना बताया गया, वाटरफॉल जलप्रपात। और यहाँ भी टिकट देखते हैं कितने का टिकट है, ये पता करना है। 100 रुपीज़। आ गए हम डेविस वाटरफॉल। तो यहाँ पर किधर से जाना है, ये तो इन्होंने कुछ पर्वत टाइप बना रखी है यहाँ पर। जाएंगे किधर से, चलिए। ये यहाँ से तो बाहर निकल जाएंगे। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा, देखिए दर्शन करते हैं बुद्ध भगवान के। ये चलिए, अब इधर से ही हम आगे इधर निकलते हैं। कृपया बगैचा भिन्न प्रवेश नरगुण होला, यानी बगीचे में प्रवेश न करें। नरगुण होला, मुझे जानकारी नहीं थी तो हेल्प कर दी मुझे रास्ता बता के। और ये सीढ़ी है, देखिए भगवान शिव की प्रतिमा। ओम नमः शिवाय। नंदी जी है, गणेश जी भी है। ये शायद वही वाटरफॉल है जो अभी हमने गुप्त महादेश्वर में नीचे, गुप्तेश्वर महादेव में नीचे से देखा था। तो वहाँ अंधेरा होने के कारण क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ से ये पूरा क्लियर दिख जाएगा। ये वाटरफॉल वही है जो हमें लग रहा है। ये पास में चल के पता करते हैं, देखते हैं। काफ़ी नीचे जाना है। ये वाटरफॉल वही लग रहा है जो गुप्तेश्वर महादेव में हम लोगों ने देखा था, सबसे नीचे जा करके। ये देखिए जी हाँ, ये वही वाटरफॉल है जो गुप्तेश्वर महादेव में देखा हम लोगों ने। अभी इसको थोड़ा सा और नज़दीक से देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी चढ़ाई है, चढ़ने के बाद ऊपर का हिस्सा है, ऊपर से आप देख सकते हैं।
वाटरफॉल अच्छा लगा, ठीक है। जैसे सोच रहा था काफ़ी हाइट से होगा, हाइट से नहीं, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। डेविस वाटरफॉल का छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग देखना अवश्य, और बने रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। आज मुझे 11 जगह जाना था, 11 में से 2 जगह हो गई हैं, अभी 9 जगह और पकाए हैं। देखिए गणेश जी हैं, नंदी जी हैं और भगवान भोले बाबा, ये ओम नमः शिवाय। बने रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का के साथ। अब हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।